बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 10 कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम CRO भी बोलते हैं, वो बेटा स्टडी करने जा रहे हैं। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सबसे पहले बेटा ये इंट्रोड्यूस करवाया था कार्ल फर्डिनैंड ने 1897 में। बेटा जो फर्डिनैंड था उसका सिंपल जो उसने बेस बनाया था, इस अगर हम इसका जो बेटा वर्ड है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें तो हमें बेटा इसके सारा प्रिंसिपल और वर्किंग काफ़ी हद तक बेटा समझ में आ जाती है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में अगर हम देखें बेटा जो कैथोड रे है इसका मतलब क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑसिलोस्कोप का क्या मतलब है बेटा, ड्रॉ या ड्राइंग या ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या हुआ कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ड्रॉ करना। और हमें पता है बेटा कि जब हम एक ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी इस आवाज़ को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यही फंक्शन है CRO का कि कोई भी बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि वेरी हो रहा है विद द टाइम, हम उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमारे पास वेवफॉर्म आ जाएगी, आपने बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है वेव वाला चैप्टर, जब आपको पता है कि वेव पैटर्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें किसी भी चीज़ का जो आपको वेव फॉर्म दिया हुआ है आप उस वेव फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, टाइम पीरियड बेटा फाइंड कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा हम यहाँ, यही इसके यूजेज हैं, यही हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है इसका फंक्शन है क्या, इसका फंक्शन है बेटा हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये हाई स्पीड ग्राफ को ड्रॉ कर देता है। जब ग्राफ ड्रॉ होगा, ये चीज़ें मैंने अभी आपको काउंट करवाई, ये बेटा हम मैयर कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो शेप बेटा यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये शेप आपको कुछ अगर आप घर में बेटा पुराना टेलीविज़न पड़ा हुआ है आपके पास, आप उसकी जो अपना ये उतार बेटा बॉडी अगर आप उसकी रिमूव करते हैं, लेकिन बॉडी रिमूव करने से पहले घर वालों से पूछ लेना, हाँ, तो क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो आपको पता है कि क्या होगा। तो उससे अगर बेटा बॉडी आप रिमूव करते हैं जो पुराने टेलीविजन पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर बेटा अगर बॉडी ये हम यहाँ पर ले लेंगे बेटा बॉडी इसकी, तो बेटा जब आप उसकी बॉडी उतारोगे पीछे से तो बेटा आपको वो ये कुछ इस शेप का दिखाई पड़ेगा। यहाँ बेटा देखो उसके पीछे स्विच होता है, यहाँ पर भी ये स्विच है, तो वो ये बेटा इस शेप का आ जाएगा कुछ। तो अब हम इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसकी वर्किंग पे बात करते हैं हम। तो डेफिनेशन में तो बेटा आपको पता चल गया इसका, मैंने बता दिया आपको अभी क्या होता है बेटा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, डिस्प्ले करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स एंड पोटेंशियल का इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ की फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस होता है ये। ओके, अब उसके बाद बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल्स, जब चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा जाता है तो वो फोर्स इफेक्ट होती है उन पर, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगी, जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्शन को देखें, इंटरनल कंस्ट्रक्शन बेटा, इंटरनल कंस्ट्रक्शन को हमने तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा बेटा हमने लिया हुआ है डिफ्लेक्शन सिस्टम है, तीसरा हमारे पास इसका डिस्प्ले सिस्टम है। तो आप बेटा याद रखना कि ये हमारे पास यहाँ से जो शुरू होता है, ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेटा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन गन में, और ये बेटा यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे पास आ जाता है डिफ्लेक्शन सिस्टम, और ये बेटा हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है, क्योंकि बेटा ग्राफ की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। यहाँ पर भी मैं इसको समझाता हूँ, तो ये बेटा डिस्प्ले आएगा हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के जो कंपोनेंट हैं, सबसे पहले बेटा कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, फिलामेंट। तो इलेक्ट्रॉन गन का जो पहला कंपोनेंट है वो है फिलामेंट। देखो बेटा फिलामेंट क्या होती है, फिलामेंट जैसे कि बल्ब है,
बेटा बल्ब में एक छोटी सी वायर होती है, वो होता है फिलामेंट। तो ये बेटा फिलामेंट होता है, ये क्या करता है बेटा, इसके सामने जो कैथोड है, मतलब बेटा दूसरा कंपोनेंट इसका, वो क्या है, कैथोड। तो ये बेटा फिलामेंट क्या करती है, ये उस कैथोड को हीट प्रोवाइड करता है। ये फिलामेंट जब कैथोड को हीट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, एमिट आउट हो रहे हैं ड्यू टू थर्म हीट, तो इसको बेटा थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से बेटा एमिट आउट होंगे कैथोड से। अब जो इसका तीसरा पार्ट है ग्रिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसका जो पार्ट है वो है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, क्योंकि बेटा कैथोड है, कैथोड से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे। अब जो ग्रिड है बेटा, ग्रिड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है ग्रिड पे। अब आपने याद रखना, ये बेटा इसका सबसे अहम टूल भी है सीआरओ का, ये जो ग्रिड होता है इसका जो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, इसको बेटा नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, इसका जो बेटा पोटेंशियल है वो कैथोड के पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा लिया जाता है। क्योंकि बेटा ये जो ग्रिड है इसी ने कंट्रोल करना होता है कि जो हमारे पास डिस्प्ले सिस्टम है, इस डिस्प्ले सिस्टम पे जो ग्राफ बनेगा, जो स्पॉट हमें मिलेगा, उसकी ब्राइटनेस क्या है, मतलब यहाँ पर जो ब्राइटनेस है बेटा वो किसने कंट्रोल करनी है, वो बेटा इसे ग्रिड ने कंट्रोल करनी है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे कंट्रोल करता है इसको, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना है, ग्रिड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ग्रिड का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैथोड। फॉर एग्जांपल, अगर कैथोड पे 1000 है, नेगेटिव 1000 अगर आपने पोटेंशियल लिया हुआ है, तो ग्रिड पे क्या होगा, हम 1100 कर लेंगे, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा बेटा, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं, ये ग्रिड क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से क्या होगा बेटा, कि हमारे पास एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो यहाँ से इजेक्ट आउट होगी। क्लियर ओके। उसके बाद जब बेटा ग्रिड से हमारे से यहाँ से बेटा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगी, क्योंकि ग्रिड ने क्या करना होता है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, सिंपली आप कह सकते हो ग्रिड का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ जो हमारे पास डिस्प्ले सिस्टम होता है, वहाँ पे जो ग्राफ ऑप्टेन होगा उसका ओके। तो बेटा जहाँ यहाँ से वो बीम हमारे पास एक स्प्लिट, वो अब जो बेटा यहाँ से, बल्कि हमारे पास जो ग्रिड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बेटा, बल्कि वो बीम फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास स्प्रेडिंग फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो स्प्रेडिंग फॉर्म में होते हैं, स्प्लिट हुए होते हैं। लाइक जिसमें बेटा देखो, ये हमारे पास ये स्प्लिट हुए, ये अब बेटा ये स्प्लिट हुए, आगे ये चले जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गन का एक कंपोनेंट आ जाता है एनोड। आगे बेटा क्या है, एनोड, और ये किसी का कंपोनेंट है, ये बेटा किसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन गन का ही कंपोनेंट है। अब जब ये स्प्लिट किए हुए इलेक्ट्रॉन बेटा जब जाते हैं एनोड पे, तो डेफिनेटली बेटा एनोड जैसा मिल के पोटेंशियल बेटा एज कम्पेयर टू ग्रिड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब बेटा यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आपने याद रखना है कि इस एनोड, ये जो तीन बेटा एनोड लिए हुए, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि ये जो स्प्लिट की हुई इनके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनको क्या करें, फोकस बीम बनाएं और एक्सेलरेट करें। क्या फंक्शन है बेटा इनका, कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो स्प्लिट किए हुए थे, इनको फोकस बीम प्लस क्या है, एक्सेलरेट करना। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बेटा एमसीक्यूज है जो आपने याद रखना है, कि ये जो एनोड है ना बेटा, ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। मतलब बेटा A3 का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, फिर A2 एंड देन A1, ये बेटा इंक्रीजिंग पोटेंशियल फॉर्म में होते हैं। और जो आपके पास एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, एक्सेलरेटिंग एनोड, उसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, क्योंकि उसका काम जस्ट एक्सेलरेट करना होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ज़ीरो। तो डेफिनेटली फिर पहले का पोटेंशियल सबसे कम हुआ, तो जो एक्सेलरेटिंग एनोड है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। उसके बाद बेटा जब ये बीम यहाँ से बेटा यहाँ तक पहुँचेगी, तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉरी सेपरेट किया हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अभी एक बीम की फॉर्म में बेटा हमें मिलेगी, फोकस बीम। यहाँ पे बीम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये फोकस बीम नहीं थी, यहाँ पर हमें क्या होगा बेटा, एक फोकस बीम मिल जाती है। अब ये फोकस बीम बेटा हमारे पास आ गई है, यहाँ पर इसका बेटा जो इसका जो बेटा तीसरा हमने कंपोनेंट देखा वो क्या था, एनोड। ओके,
नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम पे। अब जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है ना, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं। दो से मुराद ये है कि एक एक्स एक्सिस पर होती हैं, होती तो बेटा दो एक्स एक्सिस पर, इसी तरह बेटा वाई एक्सिस पर होती है। अब एक्स एक्सिस पर कैसे होंगी, जैसे देखो ये बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं यहाँ पर ऐसे, देखो आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, मैं यहाँ पर ऐसे इसको प्लेस कर दूँ तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। वैसे बेटा प्लेट्स खड़ी कैसे हैं, वर्टिकल है ना, ये क्या है, ये वर्टिकल, ये भी क्या वर्टिकल, लेकिन एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल, ये बेटा ऐसे होती हैं। उसके बाद इसको बेटा एक्स एक्सिस प्लेट बोला जाता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो एक्स एक्सिस पर होती हैं। इसी तरह आगे क्या है बेटा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, वो क्या होंगी, ये बेटा आ जाएंगी। अब देखो ये पड़ी तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी बेटा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो इससे बेटा वाई एक्सिस पर है, इससे बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये बेटा एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो बेटे एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जब ये फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स प्लेट में जाएगी, एक्स प्लेट क्या करेगा बेटा, उसको एक्स प्लेट उसको एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करवाएगा, डाइवर्ट करेगा। जैसा कि मान लिया हमारे पास ये बेटा एक जो डिस्प्ले सिस्टम है वहाँ पर, ये बेटा इसका सेंटर स्पॉट है। अब अगर x एक्सिस से बेटा होगा, ये जो x प्लेट्स है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, अगर यहाँ से बीम जा रही है तो ये क्या करेगा, इससे बेटा इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है। अब हॉरिजॉन्टल से क्या होना, तो बेटा यहाँ पर ये देखो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे मूव करवा सकती है, क्लियर, कहाँ पर मूव करवाना है बेटा, हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है इसको। उसके बाद बेटा हम देखते हैं जब ये y जो बेटा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, जब ये बीम वहाँ पर जाएगी तो y डिफ्लेक्टिंग बीम क्या कर सकती है, इस फोकस बीम को y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करवा सकती है। अब वो y एक्सिस के अलोंग कैसे करवाएगी, मतलब बेटा ये x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्लियर। ओके, क्योंकि बेटा ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, आगे है कि अगर आप DC प्रोवाइड कर रहे हो, AC प्रोवाइड कर रहे हो, बेटा DC में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम AC की अभी मैं, क्योंकि हमारे बेटा सिलेबस में जस्ट AC है थोड़ा सा, तो AC पे बात करेंगे, तो अगर DC होगा बेटा तो उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव में ऊपर से आ जाता है, नेगेटिव में नीचे आ जाता है, ये भी आता है कि अगर ये डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर नीचे में हम ले जा सकते हैं इसको। बेटा वाई प्लेट की अगर बात करें तो वाई प्लेट्स में क्या होता है बेटा, वाई प्लेट्स में ये आपके पास ये मान लीजिए जैसे ग्राफ है, तो क्या करेगा बेटा, ये इस बीम को y एक्सिस के अलोंग, बेटा y एक्सिस अब क्या है, y एक्सिस ये है, मतलब बेटा ये ऐसे बेटा उसको इस तरह से वेव फॉर्म बनाएगा उसको। तो x प्लेट ने क्या किया, x एक्सिस के अलोंग, y प्लेट ने बेटा क्या किया, y एक्सिस के अलोंग इसकी जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेगी। अब हम ये जो बेटा x प्लेट है, x प्लेट का इसमें बेटा एक और सर्कल जो इसके साथ अटैच होता है, जिसे हम स्वीप और टाइम बेस जनरेटर बोलते हैं, स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। इसके बेटा एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसके साथ अटैच होता है, एक्स के साथ, और याद रखना बेटा ये इसी का अपना एक सर्किट होता है। तो इसको बेटा जब हम ये अटैच कर देंगे, जिसको हम स्वीप, जो इसके साथ अटैच होता है, स्वीप और टाइम बेस जनरेटर बोलते हैं, इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपने उसकी वेव फॉर्म लेनी है, मतलब इसके इसका बेटा जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर आप उसकी वेव फॉर्म देखेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है ना बेटा, हमें ये बेटा आपने, मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस स्वीप और टाइम बेस जनरेटर की, ये बेटा आपने क्या ले लिया, ये एक्स एक्सिस पे टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट है बेटा, ये आपने जो वायस बेटा यहाँ पर वी ले लिया वोल्टेज। अब क्या है कि जब इसकी बेटा हम अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज ड्रॉ करेंगे ना बेटा, हमें उसकी ग्राफ कुछ यूं मिलेगी, यहाँ से बेटा लीनियर इंक्रीज होता हुआ, फिर एकदम बेटा ड्रॉप्स टू जीरो, अगेन बेटा यहाँ से लीनियर इंक्रीज होता हुआ वोल्टेज, फिर ड्रॉप्स टू जीरो, ये बेटा हमें एक ये शेप मिलेगी इसकी। अब ये शेप किस फॉर्म की है बेटा, ये हमारे पास है, ये बेटा MCQs भी है, ये सार्टूथ फॉर्म है वे फॉर्म, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर होता है उसकी वे फॉर्म कैसी होती है। जैसे बेटा देखो ये जो हम आरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक को कट करने के लिए, उसका बेटा अगर हम एच देखें तो एच पे ये बेटा इस तरह की शेप बनी होती है, इसलिए उसको सार्टूथ वे फॉर्म बोला जाता है।
अब ये अगर हम देखें बेटा, इसका जो टाइम पीरियड है बहुत स्मॉल होता है, मतलब अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर इसका डिस्प्ले देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखाई पड़ेगी। क्या होगा बेटा, हमें एक लाइन दिखाई पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि ये एक्स प्लेट है, इसने किधर डिफ्लेक्ट करना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जैसे मैंने ये बोला था बेटा आपको। तो ये आपको सिर्फ एक ऐसे लाइन दिखाई पड़ेगी क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको स्पॉट की फॉर्म में देख सके तो आपको क्या करना होगा, इसका बेटा टाइम पीरियड बढ़ाना होगा। अगर आप टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी, इसकी शेप बेटा ये बन जाएगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी शेप बेटा ये देखो, यहाँ से ये हो जाएगा ये, फिर बेटा ये बेटा। अब इसमें क्या होगा, जब आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, जब ये बेटा यहाँ पर होगा ना यहाँ पर, तो आपको डॉट दिखाई पड़ेगा इधर, जब ये यहाँ पर होगा तो आपको बेटा इधर दिखाई पड़ेगा। अब देखो टाइम बढ़ गया, जब टाइम बढ़ेगा तब आप इसको इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट देख सकते हो। ओके, उसके बाद बेटा हम चलते हैं, ये तो आ गया बेटा एक्स डिफ्रैक्टिंग प्लेट का फंक्शन जिसमें स्वीप और टाइम बेस था, उसकी बेटा आपको ग्राफ ड्रॉ कर दी। अब हम चलते हैं वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे। जो बेटा वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है ये एक्चुअली हमारा इनपुट टर्मिनल होता है। क्या होता है, इनपुट टर्मिनल, मतलब जिसकी वेवफॉर्म, जो वेवफॉर्म आप देखना चाहते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको अटैच करना चाहोगे तो उसकी बड़ा वेवफॉर्म आ जाएगी, या कोई भी एसी आपके पास है आप उसकी वेवफॉर्म बेटा ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो वो इनपुट आपने क्या करना है बेटा, ये आपने बेटा इस टर्मिनल होते हैं बेटा, यहाँ पर आपने कनेक्ट कर देना है। ओके, जब आप इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ, और उस वक्त आपने क्या किया, अब देखो बेटा यहाँ जब मैंने ये चीज़ आपको बताई ना, ये चीज़ आपने ड्रॉ की स्टडी किया, तब इसका स्विच ऑफ था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका स्विच ऑफ कर रहा हूँ और ये बेटा वाई प्लेट ऑन कर रहा हूँ इसका स्विच। तो जो वेव आपने इसके साथ अटैच की है, जैसे मैंने बोला कि आपके सेबस में सिर्फ एसी है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट का आपने बेटा साइन वेव, सिंपली साइन वेव्स है, अल्टरनेटिंग को छोड़िए, हम इसमें बेटा आपका जो सेबस में सिर्फ साइन वेव हम स्टडी करनी है। अब साइन वेव हम सिंपल एग्जांपल एसी लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि बेटा जब आपने उसको साइन, कोई भी डिवाइस है, कोई भी ऐसी बेटा जो जिसको आप जिसकी वेव फॉर्म लेना चाह रहे हो आप, उसको बेटा जब आपने यहाँ पर अटैच करोगे इसके साथ, इनपुट दोगे इसको, सिग्नल दोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोगे इसको यहाँ पर, ये आपने ऑफ कर देना, तब ये अब आपका ऑन है। तो आपको यहाँ पर जो बेटा डिस्प्ले सिस्टम है वहाँ पर जो बेटा आपको इमेज मिलेगी वो बेटे कुछ इस तरह से मिलेगी आपको इमेज। क्योंकि बेटा आपके सबसे साइन वेव्स हैं तो आपको बेटा ये लाइक दिस, ये बेटा वेव्स आपको मिलेंगी, ठीक है, ये बेटा साइन वेव इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। जब आपके पास ये चीज आ गई, आप क्या कर सकते हो बेटा, इसका इसका यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके कुछ भी फाइंड कर सकते हो कि ये टेंजेंट इसका बेटा, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है फाइंड कर सकते हो, इसकी अपना पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। ओके, अगर हम क्या करें बेटा, दोनों स्विच ऑन कर दें तो, लेकिन बेटा उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें ज़रूरी है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यहाँ पर बेटा इसको ऑन करने से पहले एक टर्म मैं आपको आइडिया दे दूँ, सिंक्रोनाइज करना। बेटा सिंक्रोनाइज से क्या मुराद होता है, उससे मुराद ये है कि ये जो एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट है इसकी जो अपना फ्रीक्वेंसी बेटा, जो टाइम पीरियड है इसका और इसका जो टाइम पीरियड है, ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर वो सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज्ड। अब उससे क्या होगा, जब ये सिंक्रोनाइज होंगे तो हमें क्या वेवफॉर्म ऑब्टेन होगी, अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो हमें क्या वेवफॉर्म ऑब्टेन होगी, हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके बेटा, अगर हम क्या करें, अब पहले बता दूं कि टाइम पर डिफरेंस क्या होता है, हमें सिंक्रोनाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा इसको जो आपने जो एक्स प्लेट है, एक्स प्लेट ने बेटा कहाँ से लेना होता है, क्योंकि ये सर्किट का इसका अपना है बेटा, इंटरनल सर्किट है, तो यहाँ से यहाँ तक आना जो इसका वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक आना कुछ और टाइम है, इसको यहाँ से मिल रहा है, तो थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। उसको बेटा आपने क्या करना है, उसको आपने इक्वलाइज करना है, इसको सिंक्रोनाइज करना बोला जाता है। अच्छा, अगर बेटा आप सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और दोनों स्विच आपने ऑन कर दिए हैं, एक्स प्लेट का भी वाई प्लेट का भी, तो बेटा आपको क्या होगा, तो इसकी जो वेवफॉर्म आपको ऑब्टेन होगी विल बी लाइक दिस, कि ये बेटा जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही थी
अब बेटा ये यहाँ पर नहीं रहेगी, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपको इसकी जो वे फॉर्म है वो बेटा ऐसे स्टेशनरी वेव दिखाई पड़ेगी। ये बेटा अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या होगा, तो आपको ये जो वेव है बेटा इन मोशन में दिखाई पड़ेगी, कभी ये स्पॉट दिख रहा है, कभी ये दिख रहा है, कभी ये दिख रहा है, ये फिर वेव फॉर्म मोशन में दिखाई पड़ेगी अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है। जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तब क्या होगा, तब आपको जो बेटा वेव फॉर्म मिलेगी वो बेटा ऐसे मिलेगी, ये लाइन नहीं होगी, ये बेटा मिलेगी आपको और ये स्टेशनरी वेव होगी। और यहाँ पर भी अब जब आपको बेटा वेव फॉर्म मिल गई, ये जो यूजेज है इसके, जब आपको इसकी वेव फॉर्म मिल गई तब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ बेटा आप जैसे ये बेटा वैल्यू, अब ये देखो इसका और इसका कितना फेज का डिफरेंस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये बेटा मिनिमम वैल्यू है, कितना इनका डिफरेंस है दोनों में बेटा 180 का। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेटा फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप फेज डिफरेंस बेटा फाइंड कर सकते हो। देखो इसमें इसमें जैसा डिफरेंस आ गया 180 का, इसी तरह बेटा जब आपको ऐसे वेव फॉर्म होगी आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी या बेटा इनपुट सिग्नल का कोई भी फेज है जो इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यू है, टाइम पीरियड ये बेटा फाइंड कर सकते हैं। ओके अब बेटा हम चलते हैं, ये जो स्क्रीन हमने ली हुई है यहाँ पर डिस्प्ले सिस्टम है, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेटा डिस्प्ले सिस्टम होता है हमारे पास, ये मोस्टली बेटा फ्लोरेसेंट मटेरियल का बना होता है जिसमें फास्फोरस होता है, हम इसमें बेटा जिंक सल्फाइड का भी ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जब ये फोकस बीम बेटा आके स्ट्राइक करती है ना इस पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे मटेरियल पे, तो ये ग्लो करता है। ओके तो बेटा ग्लो करेगा, स्पॉट हमें दिखाई पड़ेगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि जब ये बीम आके स्ट्राइक करती है यहाँ पे, स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है बेटा कि यहाँ से ग्लो करने पर इलेक्ट्रॉन भी एमिट आउट होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, डिस्टॉर्शन कैसे क्रिएट करते हैं कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, यहाँ से भी क्या आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, तो क्या करते हैं बेटा उसको, उसमें यहाँ पर डिसलरेशन होता है। जब डिसलरेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। इसको शॉर्ट आउट कैसे हम करते हैं, इसको बेटा यहाँ से एक वायर के जरिए से कनेक्ट करवा दिया जाता है यहाँ पर कैथोड के साथ। क्या किया जाता है उसको, इस प्रॉब्लम को बेटा सॉर्ट आउट करने के लिए हम वहाँ से एक वायर से इसको यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं, इस तरह बेटा इसकी वर्किंग चलती रहती है। तो ये था बेटा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसका फिर जल्दी से बेटा आपको आईडी दे दूँ, इसको रिकॉल कर दूँ आपको, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बेटा ड्रॉ करना होता है, यही मतलब होता है इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, कि ये हाई स्पीड जो ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है यही इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसकी अगर हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन में देखें बेटा, तो मैंने बताया था कि एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और आपके पास डिस्प्ले सिस्टम होता है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन गन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले बेटा फिलामेंट होती है, उस फिलामेंट से क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वहाँ से जो सामने कैथोड लगा होता है उसको हीट मिलती है, जिसको थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मीट आउट होंगे। उसके सामने क्या लगा हुआ है, ग्रिड है, ग्रिड क्या करता है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है कैथोड से, वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्चुअल में ग्रिड इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने से क्या होगा, ब्राइटनेस कंट्रोल होगी। उस पर बेटा क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बेटा मेट आउट होंगे वो हमारे पास स्प्लिटिंग फॉर्म में होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक नैरो फोकस्ड बीम चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, एनोड यूज़ करना है। उन एनोड्स में क्या होना है, वो जो एनोड है बेटा उसमें बताया था मैंने, उनका दो फंक्शन है उसके एनोड के, क्या फंक्शन है, एक बेटा उसको फोकस बीम बनाना, दूसरा उसको एक्सेलरेट करना। अब जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है उसका प्रेंसेस जीरो होता है, और जो फोकसिंग होता है उसका मतलब इससे कुछ भी जैसे अपना लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन ग्रिड के। उसको अगर हम देखते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम जो होता है, दो प्लेट होती है, एक्स एक्सिस को क्या करना है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई ने क्या करना है, लॉन्ग वाई एक्सिस। उसको आपको बेटा बताया मैंने कि ये जो एक्स है उसके साथ एक और सर्कल अटैच होता है, स्वीप और टाइम जनरेटर, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उसको ग्राफ फॉर्म में देखें, इसकी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें वोल्टेज क्या होगी बेटा, ये ऊपर जा रही है फिर नीचे, फिर बेटा ये क्या होता है बेटा, ये जो शेप है ये सॉटूथ वेव फॉर्म शेप होती है, इसलिए ये बेटा एमसीक्यूज भी है इसका। उसके बाद आपको बता दिया मैंने, और हाँ अगर आप चाहते हो ये बेटा आपको एक लाइन की फॉर्म में दिखाई पड़ेगा,
एक्स एक्सिस पर लाइन की फॉर्म में। अगर आप इसको स्पॉट की फॉर्म में देखना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें बेटा ये देखो, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो वे फॉर्म कैसी बनेगी, लाइक दिस। ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी, ये देखो बेटा। फिर क्या होगा, जब ये यहाँ पर होगा तो स्पॉट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जब यहाँ पर जाएगा तो स्पॉट ये आ जाएगा, स्पॉट की फॉर्म में फिर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ये बड़ा डिफ्लेक्शन रेट सिस्टम आपको बताया मैंने, इसको आपने ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो आपको ये वेव फॉर्म बेटा ऑब्टेन होती है। इससे बेटा हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल इंस्टेंटेनियस या फिर हम पीक वैल्यू बेटा फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं इससे हम। उसके बाद बेटा हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऑन कर दें, दोनों को ऑन करने के लिए मैंने क्या बोला था, इनको सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइज क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि सिंक्रोनाइज करेंगे हमें स्ट्रेसिंग फॉर्म में वेव्स ऑब्टेन होंगी। सिंक्रोनाइज की जरूरत क्यों आती है, क्योंकि बेटा इसका ये इंटरनल सर्किट है, इसका टाइम कुछ और होता है, इसका टाइम कुछ डिफरेंस होता है, उसको बड़ा मैच किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, हमें स्ट्रेसिंग वेव्स ऑब्टेन होंगी, ये बड़ा स्पॉट यहाँ से मूव हो जाएगा, ये बड़ा स्ट्रेसिंग वेव्स आ जाएंगे हमारे पास। कि अगर बेटा हम ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें सेंटर में जाकर स्पॉट जो है वो ऑब्टेन होगा। हम इनका बेटा आपको अच्छे से पता चल गया है, दो और पॉइंट है अभी आपका फर्दर, लेकिन अगर कुछ है भी बेटा तो पॉज करके पीछे से ले जाके देखिए वीडियो को अच्छी तरह से, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।